भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बस्तर में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णव गोस्वामी को रिहा करने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा, यह देश के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर मुंह पे काली पट्टी लगाकर पैदल मार्च निकाला गया और पत्रकार अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाले देश के समस्त पत्रकारों की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमल शुक्ला जैसे सम्मानित पत्रकार के ऊपर छत्तीसगढ़ में हमला होना कांग्रेस सरकार की नाकामी को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हर मामले में विफल है। उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर अर्णव गोस्वामी की रिहाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है तब तक गुंडागर्दी इनकी चरम पे आई। ऐसा ही राष्ट्रवादी पत्रकार जो राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का सामने ला रहा है, मगर राष्ट्र की विरोधी गतिविधियों में शामिल कांग्रेस और कांग्रेसियों के गुंडे पत्रकारों के साथ आज मारपीट करने में उतारू हो चुके हैं। और जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में, महाराष्ट्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है तब से यहाँ पर कांग्रेसियों की गुंडागर्दी चरम पे है। ऐसे में हमारे पत्रकार साथियों को वे निरंतर निशाना बनाए जा रहे हैं, चाहे दरभा का मामला हो, चाहे कांकेर का मामला हो, और छत्तीसगढ़ के अनेक अनेक कोने में पत्रकारों के साथ हुए अत्याचारों के मामले हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ में और जहां जहां जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ मिली हुई जो सरकारें चल रही हैं उस जगह पर देखते हैं तो कांग्रेसियों का गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। चाहे हम कमल शुक्ला के मुद्दे पर कांकेर में देखें, चाहे अभी इसी जगदलपुर जिले में भी कई ऐसे घटना घटित हुए हैं पत्रकारों के साथ कि ये इतनी आतंक, इतनी अत्याचार इन पत्रकारों के साथ जब हो सकता है तो प्रदेश की जनता के साथ क्या नहीं हो सकता। इस प्रकार कांग्रेस की जो ये राष्ट्र विरोधी तत्व ताकतों के साथ कांग्रेस जो मिल के काम करती है, इनको जो बेनकाब करने का काम अगर आर भारत के माध्यम से होता है तो उस पत्रकार के ऊपर हमले होते हैं, उस पत्रकार के ऊपर FIR होते हैं, उस पत्रकार को न जाने कितने प्रकार की प्रताड़ना देते हैं। इन प्रताड़ना के खिलाफ उस एक राष्ट्रवादी जो पत्रकार है उसके समर्थन में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस शहर पर आज हम मौन प्रदर्शन किए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।